तो मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे हम नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो बिजनेस आइडिया जो आपको ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो वीडियोस की डिमांड होती है वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, और कुछ क्वेरीज जो हमें आई होती है वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो आज जिस बिजनेस की हम बात करेंगे वो है किराना स्टोर का बिजनेस। हम सब जानते हैं कि किराना स्टोर एसेंशियल्स में आता है, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी माहौल हो, इवन कि अब कोरोना है, लेकिन हाँ किराना स्टोर बंद नहीं है, लॉकडाउन में भी वो खुले हैं, क्योंकि वो एसेंशियल्स की कैटेगरी में आता है। तो किराना स्टोर का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या बारीकियां हैं इस बिजनेस पर, वो हम आपको आज इस वीडियो के जरिए बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर का बटन दबाइएगा, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ चाहिए आपको किराना स्टोर खोलने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि किस तरह के वीडियोस आपको बिजनेस को लेकर और देखने हैं। तो चलिए आज बात करेंगे किराना स्टोर की, वही किराना स्टोर जो आपके घर के आसपास भी होगा। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। किसी भी रिटेलर का लक्ष्य ये है कि वो अधिक से अधिक बिक्री हासिल करे और किसी भी समय खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ाए। क्या आप जानते हैं कि किराने के स्टोर को विस्तार कर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किराना के स्टोर का विस्तार किया जा सकता है। किराना दुकान में वैरायटी बढ़ाएं। किराने के स्टोर को फेमस और अधिक मुनाफा वाला बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्टोर पर हर वैरायटी के सामानों को रखा जाए और किराना सामान होलसेल रेट पर बेचें। आपके किराने के स्टोर में जितने अधिक से अधिक वैरायटी के सामान उपलब्ध रहेंगे, आपके पास उतनी ही संख्या में ग्राहक आएंगे। इस तरह बिक्री बढ़ती जाएगी और मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। किराना दुकान में क्या क्या सामान रखना चाहिए? एक किराना दुकान में वो सभी जरूरतों की चीजें होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता लोगों के दैनिक जीवन में होती है, जैसे दाल, चावल, शक्कर, चाय, आटा, घी, तेल, मसाला आदि। ग्राहकों की जरूरत के अनुसार सामानों को रखें। किसी भी किराना स्टोर पर अगर ग्राहक के मन मुताबिक सामान उपलब्ध होता है तो ग्राहक दुकान पर बार बार जाना पसंद करता है। यहाँ दुकानदार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक रजिस्टर अपने पास हमेशा रखे। रजिस्टर में उन सामानों के नाम लिखे जिसे ग्राहक मांगे और आपके पास उपलब्ध ना हो। उस सामान का नाम लिखकर रख लीजिए और समय मिलते ही उस सामान को मंगवा लीजिए। इससे आपके दुकान के ऊपर लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी। कस्टमर सर्विस अच्छी रखें। किराना स्टोर का बिजनेस सीधे सीधे ग्राहकों से जुड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में कस्टमर सीधे सीधे दुकानदार से सामान खरीदता है, तो दुकानदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह ग्राहक के साथ प्रोफेशनल व्यवहार करे, कस्टमर सर्विस बढ़िया रखे। कस्टमर सर्विस अच्छी रखने का यहाँ मतलब है कि जब ग्राहक आपके दुकान पर किसी सामान को खरीदने आता है तो उसे जो सामान चाहिए होता है उसे तुरंत मिलना चाहिए, बेवजह किसी ग्राहक को इंतजार ना करना पड़े। किराना स्टोर का विस्तार करने के लिए कस्टमर सर्विस अच्छी रखना बहुत जरूरी है। अपनी किराना स्टोर की ब्रांडिंग करें। किराना स्टोर की ब्रांडिंग करने से मतलब है कि अपनी दुकान के बारे में अच्छी खबरें चलवाने का प्रयास करें। अब आपका सवाल होगा ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि समय समय पर आप अपनी दुकान पर कुछ छूट का ऑफर देते रहें। जब दुकान पर ऑफर की घोषणा करें तो कुछ पैम्फलेट छपवा लें, जब भी कोई ग्राहक आए उसे वो पैम्फलेट देते रहें। इससे ये होगा कि आपकी दुकान के बारे में लोगों की अच्छी राय बनेगी और अधिक लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। व्यवहार विनम्र होना चाहिए। बिजनेस में ग्राहक को भगवान मानते हैं, तो अगर आपको अपने किराने के स्टोर का विस्तार करना है तो ग्राहकों की सेवा मुस्कान से करनी होगी। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में और भी दुकानें हैं जहां पर ग्राहक को उसका सामान मिल सकता है। आपका व्यवहार ही ग्राहक को आपकी दुकान पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। नई जगह की तलाश करें। किराने के स्टोर को विस्तार करने के लिए आप अपनी दुकान की नई ब्रांच खोल सकते हैं, तो सबसे पहले नई जगह की तलाश करने का कार्य करें। नई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोग रहते हैं और साधन यानी आने जाने की अच्छी सुविधा मौजूद हो। किराना स्टोर का विस्तार करने के लिए क्रेडिट सुविधा शुरू करें। आज बिजनेस में सफलता प्राप्त करने का और बिजनेस बढ़ाने का सबसे बेहतरीन उपायों में से एक है क्रेडिट पर सामान बेचना, मतलब सामान का मूल्य किश्तों में लेना। इससे भी बिक्री बढ़ाई जा सकती है। मार्केट रिसर्च करके जरूरत को समझें। किराना बिजनेस शुरू करने के लिए या दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार का रिसर्च करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मार्केट रिसर्च से ये पता चलता है कि जिस स्थान पर आपकी दुकान है वहाँ पर लोग कैसे हैं और वहाँ के लोगों की जरूरत क्या है। इससे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको स्थानीय लोगों की जरूरतों के बारे में पता चलता है। जब लोगों की जरूरत का पता चलता है तभी ये समझ में आता है कि किराना बिजनेस में कौन कौन सा प्रोडक्ट रखा जा सकता है। इस तरह कारोबार के बारे में समझ बढ़ती है और आपके बिजनेस का विस्तार होने के साथ ही बिक्री बढ़ती है। पैसों का ऐसे करें इंतजाम। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप अपने किराना स्टोर को बड़ा करेंगे, विस्तार करेंगे, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप बिजनेस लोन का सहारा ले सकते हैं।
अगर आपका बिजनेस 2 साल से अधिक का है और आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से अधिक है तो आप सिर्फ 3 दिनों के अंदर बिजनेस लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से किराना स्टोर का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना पैसा खर्च करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कुछ लिमिटेशंस हैं वो आपको इस वीडियो के पता चल गई होंगी, और पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि हर बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने काम शुरू किया है और बस चुटकियों में आपको ग्राहक मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपको अपनी USP क्या बनानी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।